अस्सलाम वालेकुम, पखैर अली तासिटोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज खैर से 19th रोज़ा और हम उठ गए हैं सहरी के लिए। मतलब कि मैं सोई ही नहीं थी तो मैं उठी हुई हूँ और अभी मैं जाऊँगी करने अपनी सहरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मोरे? मोरे मैंने सोच ली, आखिरी 10 दिन में कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं करूँगी, मैं सब कुछ खाऊंगी। क्या क्या आपके तासरात हैं? और उसके बाद क्या करोगी? रोऊंगी। जी मेरे आज की सहरी और ये एक नए वाला मुझे दे दिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, फखैर अली तासिटोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज खैर से है 19th रोज़ा और मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मौसम कितना खूबसूरत है। दिखा तो सकती हूँ ना, तो आए चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। अभी तो धूप निकल आई है लेकिन माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है, इतनी प्यारी बारिश हुई है कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। आज हमारी मॉर्निंग बहुत ही एनर्जेटिक हुई क्योंकि उठते साथ सैलून में काम था और हमने काम किया और अपने आप को फ्रेश किया और एक्टिव किया और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। आज मैंने बनाना है लॉट ऑफ कंटेंट, लेकिन ऑब्वियसली बालों पे मैंने आयरनिंग कर्लिंग वगैरह शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि कंटेंट बनाना है तो उससे पहले मैं करूंगी ऑयलिंग, और ऑयल में कौन सा यूज करती हूँ? नेचर नेज़ बाय सना आबिद का। काफी लोग कह रहे थे कि आपके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे बालों को, बहुत बालों और स्किन को बहुत जल्दी नजर लगती है, अल्लाह ताला बचाए नजर बद से। लेकिन सच में नेचर नेज़ बाय सना आबिद के प्रोडक्ट्स अमेजिंग है, मैजिक है, मेरे बालों पर बहुत सूट किए हैं। और उनकी ईद सेल भी चल रही है जिसपे वो कुछ ऑफ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज LIBER10 आपको मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें। वालेकुम, शेक करो, हैंड वेव करो, हैंड वेव करो, अपना हैंड वेव करो ऐसे। अच्छा नाम वालेकुम, और ऐसे करो, देखो फ्लाइंग किस दो ध्यान। हाँ क्या खा रहे हो? खा क्या रहे हो? मम खा रहे हो? हाँ मम। ऑयलिंग शॉयलिंग मैंने कर ली है, आज इफ्तारी बनाने की टेंशन है ही नहीं क्योंकि इफ्तारी आ रही है बाहर से। अस्सलाम वालेकुम औरे, कैसी हो आप? कैसी? बहुत अच्छी। आज बहुत अच्छी हो? क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं सुबह से आराम से हूँ। बस अल्लाह ताला हमेशा ही आपको आराम सुकून में रखे। अगर इसके मामू व्लॉग देख रहे हैं तो इसके मामू भी ऐसे करें तो ये आपका भी आशिक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आप पक्का जी अल्लाह बदनाम करें। कैसे हो? ठीक आप सुना? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। किधर है? ये कौन है? मोहित है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मोहित? ठीक है, थैंक यू सो मच। मामा को बहुत थैंक यू कहना, ठीक है? और बस एवन, अभी मैं मजेदार इफ्तारी। आज छुप के नहीं आया, सिर्फ बाबा से छुप के आया हूँ, वैसे सबको पता है। चलो बाबा को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगी। आ गई आज मेरे ससुराल से इफ्तारी, और ये है इफ्तारी जो कि सबसे पहले खा रहे ज़ियानू। थैंक यू सो मच राबिया चाची, इतनी डिलीशियस और अमेजिंग इफ्तारी के लिए। तो खा के पता चलेगा कितनी डिलीशियस है, लेकिन खुशबू ने तो मेरा सत्यानाश कर दिया है। राबिया चाची, मामा सबका थैंक यू, जिस जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया और जिस जिसने हिस्सा लिया, हेल्प किया बनाने में, बहुत ही आला लग रहा है सब कुछ। मामा आपका क्या है दिल खाने को सबसे पहले? मेरा बिरयानी। बिरयानी ना? हाँ। खुशबू बहुत ही आला आ रही है। पापा आपका क्या दिल है खाने को सबसे पहले? चावल। चावल, सबका दिल हुआ हुआ है बिरयानी खाने को। हेलो ज़ियान, हेलो ज़ियान, ज़ियान अस्सलाम वालेकुम, ज़ियान अस्सलाम वालेकुम, सलाम नहीं करते? रोज क्या खाना पसंद करोगे सबसे पहले? मैं ये पूछो क्या नहीं खाना पसंद करूंगा, ये आप, क्या छोड़ूंगा आपके लिए पूछो। तो आप तो डाइट पे नहीं हो मतलब आज? मैं भूल गया था मैं डाइट। नो डाइट फॉर टुडे, आज खाओगे आप ये इफ्तारी। मैंने सुना है कि दूसरी इफ्तारी भी आ गई है। दोबारा कट जाओ। क्या मैंने सही सुना है? ये क्या हो रहा है भाई, दूसरी इफ्तारी भी आ गई आज? मामा मुझे पता है मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आज हर कोई हमारे घर इफ्तारी भी आएगा। आप खफा नहीं हो? मुझे लगा आप खफा होगी। नहीं, बस आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। बस भी ना बने, पकौड़े भी आ गए, रोल भी आ गए, सब कुछ आ गया। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अजान हो चुकी है, सब लग गए हैं, अपनी चीजें डाल ली हैं। मैं डालूंगी सबसे पहले बिरयानी। मेरे भाई नहीं होंगे। तू है कौन बहन? तू है कौन? आ जाओ।
तू कौन? चलो जाओ, बैठो, सबर करो, मैं आ गया। तो कोई बंद हो जाए। हां चलो ये ट्राई करो रोज। सीधा पकड़ो और मुंह में डालो। ओ अब जो गए मुस्कान, बताओ कैसी है फिर? मजेदार इफ्तारी हमने बड़ी मज़ेदार बहुत ही टेस्टी कर ली है। मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ थी वो बिरयानी थी और दही भले आला तरीन। थैंक यू सो 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 मच। मज़े की इफ्तारी करके सही किस्म का मज़ा आ गया यार। अब भी मैं जाऊंगी शावर लूंगी और उन लोगों के लिए जिनने मुझे कल टिकटॉक पे टी रेसिपी पे बहुत ट्रोल किया था, उन लोगों के लिए आज मैंने पठाने वाली शाही दूध पत्ती रेसिपी शूट किया जो कि मैं आज इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। तो अगर आप लोगों को पानी वाली चाय नहीं पसंद तो ये वाली ज़रूर पसंद आएगी। दरअसल दूध पत्ती हमारे लिए बहुत हैवी हो जाती है, इसलिए हम लोग दूध पत्ती नहीं पीते क्योंकि उसके बाद सिर्फ सोने का दिल करता है और कुछ काम करने का दिल करता ही नहीं है। तो उस फीलिंग से बचने के लिए जो मैं चाय बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैंने टिकटॉक पे अपलोड की हुई है, जिसपे मुझे इतने ज़्यादा ट्रोल्स मिले हैं ना कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। अगर आप भी देखना चाहते हैं या कमेंट सेक्शन देख के इन्जॉय करना चाहते हैं तो टिकटॉक की आईडी पे जाएं, वहाँ पे उसकी रेसिपी देखें और कमेंट सेक्शन देखना ना भूलिएगा। अगर बुरा दिन भी गुजर रहा होगा ना तो कमेंट सेक्शन पढ़ के आपको हंसी आ जानी है। मैंने सोचा शावर लेने से पहले और कंटेंट क्रिएट करने से पहले जाके केडीके को जिम में ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि अकेले जिम तो बड़ा बोरिंग हो जाता है और मज़ा भी नहीं आता। तो जिम जाती हूँ, केडीके को ज्वाइन करती हूँ, उसके बाद शावर लेती हूँ और फिर कंटेंट बनाती हूँ। मोटिवेशन मत हारो, यू कैन डू इट। मैं आज के बाद आपको तंग नहीं करूंगी क्योंकि मुझे भी वो एंजाइटी आ रही है कि मैं ज्यादा खा रही हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो आई नो आप कैसा फील कर रहे होगे। ये फील कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़े तो मजा आए। फर्क लग तो रहा है, 20 दिन बाद पता चलेगा, आज 10 बजे ना। चलो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। ये बंदा जो मेरे पीछे जिम में ना होता ना तो मैंने भी जिम नहीं आना था। लेट आ गई, 10 दिन से इधर ही, लेकिन फिर भी ना मतलब अभी तो आप मौजूद थे तो मैं आ गई ना। मैंने कहा कि नहीं लाइव करेंगे, अब 10 दिन शरोस के साथ करेंगे। सर्दी भी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है हुडीज़ वगैरह वापस निकालूँ। पता है इतने दिनों बाद मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है मैंने नींद अपनी पूरी की थी, कल मैं अच्छा खासा सोई हूँ। आप भी करो पूरी नींद, इनको बिल्कुल नींद नहीं आती। आती है, काम बहुत होता है, एडिटिंग। मैं व्लॉग बेशक व्लॉग्स अपलोड नहीं करता, लेकिन मैं एक क्या कहते हैं मजदूर भी हूँ, औरों की भी वीडियोस बना रहा हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी भी वीडियोस बनाऊँ, तो नींद वींद कुछ नहीं होती। मेरा शेकी हैंड इग्नोर करें क्योंकि ट्रेडमिल पे खड़े होके मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड्रॉइड ले लो, स्टेबलाइजेशन अच्छी है। ये देखिए मेरे 50 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और बस अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दूँगी, फिर उसके बाद शावर लूँगी, फिर नमाज पढ़ूँगी। अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, तरावियाँ पढ़ूँगी। अस्तगफार का आज आखिरी दिन है तो जितना मुझसे हो सके अस्तगफार करूँगी। मतलब दूसरे अशरे का आखिरी दिन है, दूसरा अशरा अस्तगफार का होता है। अस्तगफार तो आप किसी टाइम भी पढ़ सकते हो, एज ए दूसरे अशरे की दुआ तो मैं आज कंप्लीट करूँगी जितना हो सकता है मुझसे। कसम से आज जो मैंने एक्सरसाइज की है आप लोगों की वजह से की है, अगर आप लोग मुझे मोटिवेट ना करते तो मैं ना कर सकती। क्योंकि आप सब ने मुझे कहा कि नहीं लाइबर टाइम निकालें, इस टाइम कर लें, उस टाइम कर लें, तो मैंने सोचा जब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो तो कर लेना चाहिए मुझे। तो मैं फ्रेश हो गई, शावर ले लिया और मुझे ऐसे लग रहा है कि सर्दियां वापस आ गई हैं, हुडी सारी निकाल लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सख्त ठंड है, जिसकी वजह से मैंने लॉन के कपड़ों के ऊपर शॉल पहन लिया। आज का वजीफा ऐसे है कि अगर आप सोते वक्त राइट हैंड अपने दिल पर रख के 33 मरतबा अल लतीफ़ो पढ़ेंगे तो आपके दिल में जो ख्वाहिश होगी वो पूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली बहुत बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और इंसान को तब तक फ़र्क नहीं पड़ता किसी की बुरी बात से
जब तक इंसान को यकीन हो कि वो कुछ सही कर रहा है। टिकटॉक पे मेरी न्यू आईडी है, न्यू ट्रैफिक है, ज्यादातर लोग मुझे पर्सनली जानते नहीं है, ज्यादातर लोगों को मेरी लाइफ का नहीं पता, इसलिए उनके मुंह में जो कुछ आता है वो बोल देते हैं। मैं अपनी टिकटॉक फैमिली को ये समझाना चाहती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और एक सादा इंसान हूँ जैसे आप लोग हैं। जो वजीफे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जिसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से सलूशन मांगी और अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से और अपने कलाम की बरकत से मुझ जैसी गुनाहगार लड़की का हर मसला हल फरमाया। तो अल्लाह ताला ना किसी का प्रोफेशन देखता है, ना शक्ल सूरत देखता है, अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ अपने बंदे का दिल देखता है। अपना दिल साफ रखें, लोगों के लिए बदनीयती ना करें, बुरी जबान इस्तेमाल ना करें और अपना मसला अल्लाह के सपुर्द कर दें। तो इसी नोट के साथ यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।